हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। कानपुर देहात में पाकिस्तानियों के नाम पर मिली करोड़ों की जमीन, डीएम ने कहा जल्द कराएंगे जांच। गाजियाबाद के नीदरलैंड से रजत पदक जीतकर लौटे युजवेंद्र के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में युवा एवं बुजुर्ग पहुंचे। हरदोई में ताजिया देखने गए एक 13 वर्षीय किशोर की गला रेत कर हत्या, घटना से क्षेत्र में फैल गई सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बलिया में देर रात बदमाशों ने झोला छाप डॉक्टर की निर्मम हत्या की, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बांके बिहारी मंदिर पर पहुंचकर किया दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्ष में देश भर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, ऐसे में इसे ऐतिहासिक बनाने में जुटे आम जनता। सुल्तानपुर में आजादी के 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर, इसी के तहत कलेक्ट्रेट से निकाली गई तिरंगा झंडा यात्रा। मथुरा की साड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जा रहे तिरंगा झंडा, देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही सप्लाई। बुलंदशहर में जेठी बना बहू के लिए भक्षक पीड़िता का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, पीड़िता को बना हुआ है अपनी इज्जत का डर। हरदोई में 500 रुपए के लेन देन को लेकर रिटायर्ड फौजी ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजीपुर के सपा विधायक किशन साहू का अद्भुत समाजवादी ज्ञान, समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर मना डाली पुण्यतिथि। लखनऊ में भूख से 6 गौवंशों की मौत, गौशालाओं की स्थिति हुई खराब, ब्रजेश सिंह ने सरकार को गौवंशों की डाइट की धनराशि बढ़ाने की मांग की। बिजनौर में मंदिर में रह रहे परिवार को अज्ञात लोगों ने किया मारपीट, पुजारी की पीट पीट कर हत्या, एसपी ने अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर बना दवा गोदाम, ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और मरीजों की जगह पर दिख रहा है सिर्फ दवा सेंटर को संचालित करने की मिल चुके निर्देश। दिव्यांगत के अभिशाप को दूर कर विश्व में पहचान बना रहा है दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी, प्रयागराज के ललित ने क्रिकेट के प्रति और बढ़ाया रुझान। मुरादाबाद के अध्यापक ने प्राथमिक विद्यालय के निर्मित एक अतिरिक्त कक्षा को 30,000 रुपए में बेचा, शिकायत होने पर जांच में जुटी पुलिस। औरैया में राम मंदिर निर्माण के 2 साल में 40% पूरे हुए कार्य, बन गया चबूतरा गर्भगृह, 2 वर्ष पूरे होने पर राम भक्तों में खुशी। गाजियाबाद में चेन लूट कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदायूं में चलते टेम्पो से गिरकर किशोर की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया कि जिंदा को मोर्चरी में रखवा दिया। प्रयागराज में कश्मीरी पंडितों की तरफ से निकाली गई तिरंगा यात्रा, यात्रा में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित समाज के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। राम मंदिर निर्माण के 2 वर्ष पूरे होने पर हनुमानगढ़ी पर चलाई गई शुद्ध घी के दीपक, महंत राजूदास के साथ संत समाज ने जुलाई 501 दिए। आगरा में अपराधियों का दुस्साहस खुलेआम, पुलिस को दे रहे चुनौती, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, कई राउंड फायरिंग। औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने की दिन दहाड़े मारपीट, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में स्कूटी का टायर फटने से आईटीआई का अनुदेशक हुआ घायल, लावारिस हालत में पहुंचा जिला अस्पताल। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की 2.25 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। हमीरपुर में दो नाबालिग चोर लगे स्थानीय लोगों के हाथ, बीती रात चोरी करने के मकसद से घर में घुसे थे लोग। उत्तर प्रदेश में 12 आईएएस अधिकारियों के तबादले, विशेष सचिव नियोजन विवेक कुमार को विशेष सचिव गृह बनाया गया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से पति पत्नी की मौत, बाइक द्वारा दवा लेने जा रहे थे दंपति, सड़क हादसे में मौत।
हमीरपुर में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकले स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता तिरंगा झंडा रैली। और अयम में पुलिस के आपस में चले थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। घटना अजीत मल कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही। मेरठ के घर में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, लिसाड़ी गेट में विस्फोट से ढहे थे 3 मकान, अब फिर से पुलिस ने पकड़े पटाखे। अयोध्या में येलो अलर्ट जारी, 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना। सरयू के जल स्तर पहुंचे खतरे के निशान के करीब। बम्बू ब्रश से गरीबी और प्लास्टिक को बाय बाय, छात्रों ने स्लम एरिया के बच्चों को पहुंचाया स्कूल। कचोरा रिप्लेस कराकर बेचने लगे। गाली देने वाला भाजपा नेता श्रीकांत हिरासत में, पार्क में कर रहा था अवैध कब्जा, विरोध करने पर महिला से की थी बदसलूकी। गोरखपुर में नगर निगम के प्राइवेट ठेकेदारों की गुंडई, कार उठाई तो बुलडोजर के सामने लेट गए पति पत्नी, ठेकेदार ने दी बुलडोजर चढ़ाने की धमकी। फतेहपुर में घर में घुसकर लाखों की लूट, पत्नी और बेटी के साथ मारपीट, गंभीर हालत में कानपुर हालत रेफर। सांसद वरुण गांधी का सरकार पर हमला, बोले सदन गरीबों के 5 किलो राशन पर धन्यवाद की इच्छा रखता है। भदोई में 51 फीट लंबी कावड़ लेकर निकले शिव भक्त, सावन के अंतिम सोमवार को सेमरनाथ मंदिर पर करेंगे जलाभिषेक। दरोगा ने शादी का झांसा देकर रेप किया, वाराणसी में पीड़िता ने खाया जहर, जांच में लापरवाही पर एसओ सारनाथ लाइन हाजिर। सिद्धार्थनगर डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, बकाया बिजली बिल को जमा करने का दिया निर्देश, गौशालों पर बिजली व्यवस्था। बिजनौर में 3 ट्रक आपस में टकराए, बुग्गी को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटा, 4 लोगों को आई चोट। सुल्तानपुर में कोटेदार के पास 58 बोरी सड़े चावल बदलने के लिए कहने पर ठेकेदार ने दिया धमकी, आपूर्ति विभाग से मांगा गया लिखित स्पष्टीकरण। आगरा में निजी अस्पताल में गर्भवती की मौत, सड़क पर लेट कर रोता रहा पति, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरक्षण के उल्लंघन पर बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस का घेराव, पीजी के बाद सीधे पीएचडी कराने की योजना, विवादों में छात्रों की 5 सूत्री मांग। हापुड़ में शहीद स्थल चढ़ा अतिक्रमण की भेंट, सामने ही लगा दी दुकानें, अफसर बने मौत। कमिश्नरी के बाहर खुद को लगाई आग, मकान पर कब्जा होने और मदद नहीं मिलने से 45 साल का व्यक्ति था नाराज, अस्पताल में भर्ती। गोंडा में आयुक्त ने जल जीवन मिशन की देखी प्रगति, बोले कार्यों में लाई तेजी, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समयावधि में पूरा कराए काम। 100 रुपए के लिए युवक की हत्या, ई रिक्शा चालक ने धारदार हथियार से कर दिया हमला, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। हेडमास्टर ने बच्चों से झंडे के लिए मांगे रुपए, माइक से अनाउंस कर रहा घर से 15-15 रुपए लाने हैं, मम्मी पापा ना दे तो लड़ाई मत करना। 24 घंटे पहले नदी में डूबे युवक का शव बरामद, एसडीआरएफ की मदद से पुलिस ने 15 फीट नीचे से निकाला। अमरोहा में जहरीला चारा खाकर 64 गौवंशों की मौत, हिरासत में लिए गए 8 लोग, चारा विक्रेता ताहिर फरार। किडनैपिंग के बाद 12 साल के लड़के की हत्या, बदायूं में भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इंस्पेक्टर घायल। ललितपुर में झारखंड के युवक की मौत, साथी बोले सांप के काटने से हुई मौत, वाटर प्लांट पर काम करता था युवक। कोविड एहतियाती डोज के लिए रविवार को मेगा कैंप, चित्रकूट में दूसरी डोज के 6 माह पूरा करने वाले लगवा सकते टीका। सुल्तानपुर में दुष्कर्मी को सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। विवादित बयानों लेखों से देश की छवि हो रही खराब, द वीक मैगजीन में देवी देवताओं की अपमान पर इंडियन नेशनल लीग ने जताया। कुशीनगर जिला अस्पताल खुद बीमार, डॉक्टरों की भारी कमी, धूल फांक रही हाईटेक मशीनें, मरीजों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। पुलिस के संरक्षण में जबरिया, सार्वजनिक सड़क एनपीआर निर्माण, पीड़ित एसडीएम का आदेश लेकर पहुंचा तो दरोगा बोले एसडीएम क्या करेंगे। भदोई में 3.60 लाख रुपए से भरा बैग हुआ चोरी, कार की पिछली सीट पर रखा था, लॉक खुला छोड़ पान खाने चले गए थे मालिक।
वार्डों में लगाने के लिए पार्षदों को मिले झंडे, महापौर ने सभी 110 पार्षदों को दिए 100-100 झंडे, पूरा नहीं गा सके झंडा गीत। प्रेमी की हत्या से प्रेमिका, पति प्रेमिका के पिता और भाभी गिरफ्तार, बहन के ससुराल आने के दौरान हुई थी युवक से मुलाकात, 4 साल से रिलेशनशिप में थे। लॉ स्टूडेंट को पुलिस ने दिया थर्ड डिग्री टॉर्चर, पड़ोसी से हुआ था विवाद, दोनों को पकड़कर पैरों में डाली बेड़िया। प्रतापगढ़ में साईमा हत्याकांड, हत्या कर शव छुपाने के तीसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पति ने की थी गला दबाकर हत्या। आंगन में सो रही मासूम को उठा ले गया गुलजार, वन विभाग की टीम चला रही सर्च ऑपरेशन, जंगलों में तलाशी जारी। कौशाम्बी में चोरों का आतंक, 1.5 लाख के जेवर और 40,000 का सामान उठा ले गए चोर, कपड़ा कारोबारी के घर हुई चोरी। उन्नाव पीएचसी में डॉक्टर दिखे नदारद, घंटों इंतजार के बाद बिना इलाज के वापस लौट रहे मरीज। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, बोले दंगे तो सपा कराती है, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। फतेहपुर में बाइक सवार दंपति को बदमाशों ने मारकर किया घायल, जेवर नकदी लूट कर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में किसानों को दिए गए तिरंगा झंडा, 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराने की अपील। पीलीभीत पहुंची लखनऊ से वैज्ञानिक अधिकारियों की 2 सदस्य टीम, पवन गोयल हत्याकांड का रिक्रिएशन किया। कबाड़ देख भड़के बिजली विभाग के एमजी, लखनऊ के डालीगंज स्टोर का किया निरीक्षण, सामान पर्याप्त मिला लेकिन समय से कनेक्शन नहीं मिल रहा। रामपुर पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा पर किया कटाक्ष, ईडी के नाम पर कांग्रेस नेताओं की छवि की जा रही धूमिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर पहुंचे, ललिता देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। तबादला होने के बाद भी नहीं गए हेड कांस्टेबल, एसपी के आदेश का भी नहीं कर रहे पालन, कंदवा थाने पर विभागीय कार्य निलंबित। फतेहपुर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, कल से घर से गायब थी, पुलिस ने कहा प्रेम प्रसंग का है मामला, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम।